हेलो एवरीवन, मैं हूं अमार और आप देख रहे हैं मैं भी इंजीनियर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बैटरी के चार्जिंग कितने समय तक हमें करना चाहिए और कितने एम्पियर के करंट से हमें इसको चार्ज करना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आज हम इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको ये वीडियो मैं क्यों बनाया, किस लिए मैं बनाया। तो दोस्तों, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, मैं उसको चार्ज करता हूँ और मुझे चार्जिंग करंट के बारे में भी नहीं पता है। तो मैं कभी कभार उसको ज़्यादा करंट पे चार्ज करता हूँ, कभी कम करंट पे, और कभी कभी मैं ज़्यादा चार्ज लगा देता हूँ या फिर कभी कम। तो एग्जैक्ट कितना लगाना चाहिए, जिसके वजह से ज़्यादा चार्जिंग करने के वजह से बैटरी का बैकअप भी ख़राब हो गया है और बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एक बैटरी को कितने समय तक चार्ज करना चाहिए और कितने एम्पियर से चार्ज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी करंट शुड बी चार्ज एट 10%, मतलब बैटरी की कैपेसिटी जितनी है हमें उससे उसका 10% से उसको चार्ज करना ही है। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटी बैटरी लेता हूँ, यूपीएस की बैटरी, जिसकी चार्जिंग जिसकी कैपेसिटी 7.5 एम्पियर है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। इसको आपको आंसर कैलकुलेट करोगे तो 0.75 मिलेगा। तो जिससे गाइस हमें इसका क्या पता चला, चार्जिंग करंट। बट क्या होता है कि बैटरी के कुछ लॉसेज होते हैं, इसके लिए हमें इसमें 1 या 2 एम्पियर और ऐड करना पड़ेगा। तो 0.75 में हम 1 एम्पियर और ऐड कर देंगे तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1.75। तो इसका चार्जिंग करंट हमें पता चल गया किस बैटरी का, जिसकी कैपेसिटी 7.5 एम्पियर है, जिसका जो हमारे यूपीएस में यूज़ होता है। अब बात करते हैं एक बड़ी बैटरी की जो हमारे इन्वर्टर में यूज़ होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक 150 Ah की बैटरी ले रहा हूँ और उसका चार्जिंग करंट निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला लगाऊंगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका आंसर मिल जाएगा 15 एम्पियर। बट फिर से हमें उसमें बैटरी के कुछ लॉसेज होते हैं, उसमें हम 1 या 2 एम्पियर और ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर 15 मिलेगा, उसमें हम 1 एम्पियर और ऐड कर देंगे तो इस कितना हो जाएगा, ये 16 एम्पियर। मतलब हमारी जो 150 Ah की बैटरी है उसको हमें कितने से चार्ज करना है, 16 एम्पियर से। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने उसके चार्जिंग करंट को निकाल लिया। बट अब सवाल ये आता है कि हम उसको कितने समय तक चार्ज लगाए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से ही बैटरी ख़राब होती है। तो दोस्तों, उसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, टी सी इज इक्वल टू Ah/A, जहाँ पे टी सी क्या है, चार्जिंग करंट है, Ah क्या है, हमारी बैटरी की कैपेसिटी है, और A क्या है, चार्जिंग करंट ऑफ द बैटरी, मतलब कि हमारी बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, पहले मैं यूपीएस की बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, 7.5 एम्पियर को डिवाइड करना है 1.75 से, जो कि 7.5 क्या है, बैटरी की कैपेसिटी है, और 1.75 क्या है, उसका चार्जिंग करंट है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.28, और आगे और भी वैल्यूज़ मिलेगी, मतलब 4 घंटा 28 मिनट हमें उसको चार्ज करना ही है। बट गाइस, क्या होता है कि बैटरी के 40% लॉसेस होती है। यहाँ पे अगर हम इसको फिर से 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और उसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 3। इसका आंसर मिल गया 3। तो अब हमको क्या करना है, 3 को 7.5 में ऐड कर देना है और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5। अब अगेन हमें क्या करना है, 10.5 को 1.75 से डिवाइड कर देना है। तो अब ये जो करंट से आप डिवाइड करेंगे बैटरी कैपेसिटी को, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 6, जो कि हमारी बैटरी का चार्जिंग टाइम है। यही हमारी ओरिजिनल बैटरी की चार्जिंग टाइम है, इतना घंटा हमें उसको चार्ज करना है। मतलब हमारी यूपीएस की जो बैटरी है, अगर हम उसको 1.75 एम्पियर से चार्ज कर रहे हैं तो 6 घंटा हमें चार्ज करना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की बैटरी का। तो गाइस, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 150 को फिर से ले लेंगे और उसको इंटू करेंगे 40 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 60। तो गाइस, ये क्या करेंगे, 60 जो है, 60 को हमें 150 में फिर से ऐड कर देना है। 150 क्या है, बैटरी का कैपेसिटी है, इसमें हम 60 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 210, मतलब 210 Ah की बैटरी हो गई अभी हमारी।
तो 210 एएच को क्या करना है, हमें उसके चार्जिंग करंट से डिवाइड करना है। उसका चार्जिंग करंट कितना है, 16 एम्पियर। तो आंसर आपको मिलेगा 13.12, मतलब 13 घंटे और 12 मिनट। मतलब हमारी जो इन्वर्टर है उसको चार्ज करने के लिए हमें 13 घंटे 12 मिनट लगेगा। गाइस ये जो समय है, इतना ही समय तक चार्ज करेंगे तो हमारी जो बैटरी रहेगी वो कभी नहीं ख़राब होगी, वो हम उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है या आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज़ या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।